खबर अंबिकापुर से, जहां जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सड़कों पर लोगों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। खराब मौसम के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि बादल छट जाने के बाद ही तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट आएगी। विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवात बना हुआ था। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच स्थिर बना हुआ है। शीतलहर चल रही है और काफी धुंध है, अभी भी काम है। कुछ देर पहले तो ऐसा धुंध था कि लोग सामने से दिखाई नहीं दे रहे थे, और अभी काफी ठंडी हवा भी चल रही है और कड़कड़ाती ठंड में लोगों, मौसम तो सुहाना है लेकिन कड़कड़ाती ठंड है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी में डाल सकता है। एक सप्ताह से बादल बने हुए हैं, तो अब ये बादल जैसे छटेंगे तो उत्तर भारत में जो अभी कोल्ड डे और कोल्ड वेव कंडीशन बना हुआ है उसका प्रभाव पड़ेगा। ठंडी हवाएं आएंगी, शुष्क हवाएं आएंगी, तो उससे तापमान इधर एक बार फिर से मध्य भारत के सहित अपने उत्तर छत्तीसगढ़ का भी गिरेगा।